जल्दी से पूजे को ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायण नमः गोविंदाय नमः गरी माधवाय नमः अस्तो लक्ष्मी जल्दी से थोड़ा सा हाथ से लीजिए साथ में ठकोते हो गुरु जी। हाँ गुरु जी सब या आधा दोनों को डिवाइड कर लीजिए। नहीं नहीं हाथ में लिए रहिए, बताता हूँ। देखिए ये गंगा पूजन है कि जैसे घर में हम कोई पूजन करते हैं सबसे पहले हिंदू सनातन के हिसाब से देखिए तो चाहे वो भागवत हो कथा हो ये छोटा सा सत्यनारायण भगवान का हम लोग कथा भी सुनते हैं तो उसमें गौरी गणेश का पूजन होता है। बिना गौरी गणेश का पूजन हुए कोई पूजा आगे नहीं बढ़ता है। जब तक गौरी गणेश का पूजन नहीं देंगे तब तक कोई पूजा हमारा सफल नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ प्रयागराज में गंगा पूजन होगा, त्रिवेणी पूजन होगा, तब उसके बाद आपके पिताजी का अस्थि पूजन कराएंगे, तब उस पर आपका पिंडदान होगा, तब उसके बाद अन्नदान भोजन का संकल्प होगा। ठीक है ये हाँ बोलिए त्रिवेणियम त्रिवेणियम मा आप भी बोलिए बोलिए त्रिवेणियम माधवम माधवम सोमम चवाचकी वंदे वंदे अक्षयवटम अक्षयवटम नायकम नायकम शेषम शेषम प्रयागम प्रयागम नमो गंगे महागंगे महागंगे महादेवस्य महादेवस्य वल्लभे वल्लभे वैते त्वाम वैते त्वाम भागीरथी भागीरथी गंगा माता गंगा माता जमुना माता जमुना माता सरस्वती माता आपका दर्शन पाया दर्शन पाया मनोकामना मनोकामना पूर्ण करना पूर्ण करना। ये अस्थि किसका लेके आए हैं? कितने दिन हुआ एक्सपायर हुई? रविवार को 12 था ये पिछले पिछले रविवार को। तो कार्यक्रम सब हो गया कि कुछ घर पे भी कार्यक्रम बाकी है? सब कुछ सब हो गया, फाइनल हो गया। अच्छी बात है। अस्थि पूजन है, अस्थि पूजन के बाद विसर्जन। ठीक है ये देखिए पिताजी के नाम से ये ऐसे अंगूठे से ही जाए। अच्छा इसको ऐसे ऊपर से आप हाथ लगाइए। ओम गोत्रानाम गोत्र से इदम जलम तस्महि सुधा ओम गोत्रानाम गोत्र से इदम जलम तस्महि सुधा ओम स्नानम समर्पयामि पितृदेवता भ्यो नमो नमो स्नानम समर्पयामि पितृदेवता भ्यो नमो नमः स्नानम समर्पयामि पितृदेवता भ्यो नमो नमः। रख दीजिए दूसरा स्नान कराइए। ओम गोत्राणाम गोत्र से इदम जलम तस्महि सुधा ओम गोत्राणाम गोत्र से इदम जलम तस्महि सुधा ओम स्नानम समर्पयामि पितृदेवता अभ्यो नमो नमः। रचिए अब भैया को जो भी सामग्री देंगी सबसे पहले काला तिल देंगी, जवा देंगी, अच्छत देंगी, हल्दी देंगी, लोली देंगी, अभी रुका देंगी, तब ये सफेद चंदन स्टेप बाई स्टेप आप देते जाइए। आप चढ़ाइए अंगूठे से ही चढ़ेगा जो भी सामग्री है। ओम तिलम स्वर्णव्यामि पितृदेवता भ्यो नमो नमः। ओम तिलम स्वर्णव्यामि पितृदेवता भ्यो नमो नमः। ओम अक्षतम स्वर्णव्यामि पितृदेवता भ्यो नमो नमः। ओम हल्दी हाँ हल्दी ओम हल्दिलम स्वर्णव्यामि पितृदेवता भ्यो नमो नमः। ओम अबीरम गुलालम नव दीपम स्वर्णव्यामि चंदनम स्वर्णव्यामि पितृदेवता भ्यो नमो नमः। ओम चंदनम मंदनम पापनाशनम पापो तनो हरि।
ओम गंधक राम दुराधर श्याम निष्ठाम गनी गनी दुर्गुता तांबूल प्रशेष्टियम। ओम तांबूल स्वर्ण्यामि तुलसी हाथ में लिया। ओम तांबूल स्वर्ण्यामि पुत्र देवता भ्यो नमो नमः। कलश के पास नीचे रख दीजिए छुआ के। ओम फलम स्वर्णयामि माया देवी स्थापितम पितृदेवता भ्यो नमो नमः। ओम मालिपम स्वर्णयामि पितृदेवता भ्यो नमो नमः। ओम पुष्पम स्वर्णयामि पितृदेवता अभी छोड़ो। ओम पुष्पम स्वर्णयामि पितृदेवता भ्यो नमो नमः। पिताजी को ध्यान करिए, आग बंद करके जैसा उनके शरीर था शरीर को ध्यान करिए। ध्यान करके अब तो पांच बार बोलिए राम 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 राम। अब बोलिए ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः पांच बार। आप भी साथ में करिए गायत्री मंत्र का जाप करिए। ओम भूर्भुवः स्वः से बोलिए जावत अस्ति मनुष्यानाम गंगा तोहि प्रतिस्थिति साहस प्राणी स्वर्ग लोके मई हते। बोलिए पूजनी पिताजी आपको प्रयाग पहुँचाया, प्रयाग वास करो, गंगा वास करो, त्रिवेणी वास करो, घर की आशा छोड़ के देवता रूप विष्णु स्वरूप नारायण स्वरूप रुद्रा स्वरूप अपने शरीर को धारण करिएगा, अपने आत्मा को शांति करिएगा, वैकुंठ को वास करिएगा। हे पिता, जाने अनजाने हमसे परिवार से बाल बच्चों से कोई गलती हुआ हो सबको क्षमा करिए। जैसे आप आगे गए हैं पीछे हमारा वंश बढ़ाइए, वृद्धि करिए, बच्चों के पढ़ने लिखने की शिक्षा दीजिए, उन्नति कराइए, हमारा परिवार का कल्याण करिए। नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। दक्षिणु पिताजी को प्रणाम करिए। जाने अनजाने आप लोग से जो भी गलती हुआ उसे क्षमा याचना करिए। बच्चों की तरफ से अपने तरफ से नातेदार रिश्तेदार सबके तरफ से हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करिए। आप देवलोक में गए देवलोक में वास करें, विष्णु लोक में वास करिए, हमारा सब पितरों का कल्याण करें, हमारा कल्याण करें। कलश में डाल दिया से उसको तीन बार बजाइए। ओम विष्णु आप भी बजाइए। ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः। ये अस्थि का उठा के यहाँ को ले आइए। अरे पूरा पत्तल सही कपड़ा सीधा पूरा है, पत्तल इसी लगाया था ना, कोई से नीचे गिरने ना पाए।
गंगा थोड़ा सा बाहर आ गया। ये पितरों का आसन बनाया जा रहा है, जब तक वेदी नहीं बनेगा तब तक कोई पितर आपके पिंड नहीं पाएंगे ना, वो पूजा आगे होगा। स्नान कराइए, आभार लगाए रहिए। ओम स्नानं स्वर्गामी पृथ्वी देवता भ्यो नमो नमः। ओम स्नानं स्वर्गामी पृथ्वी देवता भ्यो नमो नमः। ओम चंद्रानतं स्वर्गामी पुत्र देवता भ्यो नमो नमः। ओम चंद्रानतं स्वर्गामी पुत्र देवता भ्यो नमो नमः। काली कृपा छोड़िए, लाल वाले का छाप पकड़िए, हाथ में लेके छोड़ा करिए, ठीक है, चम्मच से लेके हाथ में लेके। ओम तिलम सौरभ्यामी पुत्र देवता भयो नमो नमः। थोड़ा सा जैसे हमने रेखा बनाया ऐसे तीन रेखा बना दीजिए अपने हाथ से। ओम दित्या सुखदेवा हरिद्रह दिग्गम शुभ चंद्र धन का महाक शुद्धे गंधग्राम दुराधर चमिष्ठान ग्रीन ग्री सदूता तांबुल प्रसन्नष्टियम। इनके बोर्ड से बाहर लेके बनना है, उसको दूर करने चाहिए। हाँ बना दीजिए। ओम विद्या वसुदेव हमारे प्रहद शुभ चंद्र घर में का महा दे माची पुआ अब चावल छिड़की। ओम अच्छतम सौरभ्यामी पितर देवता भ्यो नमो नमः। ओम अच्छतम सौरभ्यामी पितर देवता भ्यो नमो नमः। जमा ओम दानम सौरभ्यामी पितर देवता भ्यो नमो नमः। ओम अभिधम गुलालम अभिधम गुलालम नव दीपम सौरभ्यामी पितर देवता भ्यो नमो नमः। ओम गंधग्राम दुराधर्श्याम निष्ठान गणी गणी सदूता तांबुल ओम निष्ठानम स्वर्ग्राम पितरदेवताभ्यो नमो नमः। ओम तांबुल स्वर्ग्राम पितरदेवताभ्यो नमो नमः। वीरासन करके आप बैठिए, जैसे बजरंगली बाया पैर खोल के बैठते हैं वीरासन। अब ये जनऊ शब्द कर लीजिए, नहीं आप नहीं, आप सही बैठिए, बैठिए रहिएगा, जनऊ शब्द कर लीजिए। ब
बड़का बोलपुर में खेली है। पंडित जी ऐसे बैठे हैं या ऐसे बताते हैं? देखिए ये सब पाया पर आपका नीचे रहेगा और ऐसे ही बैठना है जैसे आप बैठे हुआ ले यार। कोई हम लोग गाड़ी में चलो। ये आज शनिवार और मंगलवार है जैसे यहाँ पे जब ये मन्नत लोग मानते हैं जैसे आज आप आए आपको गंगा पूजा कराए ऐसे बहुत लोग आते हैं मन्नत मान लेते हैं गंगा मैया मेरा ये कार्य पूरा हो तो आपको हम लड्डू चढ़ाएंगे जैसे अभी आपने किया लड्डू है पेड़े हैं निशान है झंडा जिसको बोलते हैं झंडा पटाखा और बाजा गाजा नातेदार रिश्तेदार के साथ वो खुशी खुशियाली नाश्ते गाते आते हैं तो बगल में लेटे हुए जो बड़े बड़े हनुमान जी हैं ये सब वहीं पर जाके चढ़ता है। अच्छा हनुमान जी हाँ हम लेटे हुए हनुमान जी हैं बोलिए अग्निदिद्धा अग्निदिद्धा प्राण गति मात्र वंशे पितृ वंशे भूला चुका आगत गए सर्व काटे बाल भागे गर्भ से गए पूजनी पिताजी हमारे हाथ से पिंड श्राद्ध आशा किए हूँ इस ब्रह्मा की वेदी पे आके सभी पितरों के साथ पूर्वजों के साथ आके विराजमान होइए हमारे हाथ का पिंड श्राद्ध पति पत्नी से ग्रहण करिए हमारा कल्याण करिए पितरों को नमस्कार करिए जो भी आपके पितर हों बाबा पर बाबा आजी आजा जो भी सबको नमस्कार करिए जो भी बोलिए जो भी पितर हैं हमारे हाथ से आज आशा कर दो वेदी में सबको विराजमान हुए पिताजी के साथ पिंड साध अर्पण करके हमारा कल्याण करिए। अच्छा कुछ लिख दीजिए अब जल घुमा दीजिए आपके पितर विराजमान हो गए अब समझ लिए वेदी पे ओम जलम सवन व्याम पितर देवता भ्यो नमो नमः। अब एक पिंड इनके पिताजी को दीजिए पहले आप अब पिंड को ऐसे देखिए अंगूठे से ही गिराना है जल और तिल डालिए फिर जल और तिल दीजिए ये कुसा ये जल उधर रखिए कुसा इसमें पड़ा रहने दीजिए इनको ऐसे तिल देना है आप कुसा से ऐसे जल छिड़क लेना जल उधर के साइड ठीक है चाहे आप ना कर सके तो रख दीजिए मैडम जी के पास आपकी मैडम जी सब देती रहेंगी ठीक है। अब तिल डालिए जल डाल दीजिए जल डालिए जब मंत्र बोलेंगे पिताजी का कहेंगे नाम गोत्र लेना इनका नाम गोत्र के साथ पिंड को डालिएगा ओम गोत्रा नाम गोत्र से कस पिंड प्रयाग तीर्थ अमृत स्वरूप तस्मै श्रद्धा। ये आपने पहला पिंड अपने पिता को दिया आपके पिता के पिता आपके यानी दादाजी इनको दीजिए नाम मालूम है ना भैया दादाजी का नाम गोत्र ओम गोत्रा हाँ डालिए सामग्री डाल लीजिए जब डालिए अगर हमको बोले पंडित जी हमने दे दिया आप मंत्र बोल दीजिए ओम गोत्रा नाम गोत्र से एक पिंड प्रयाग तीर्थ अमृत स्वरूप तस्मै श्रद्धा। दादाजी के पिताजी आपके उनका नाम बताइए दीजिए ओम गोत्र ओम गोत्रा नाम गोत्र से कस्पिंड प्रयाग तीर्थ अमृत स्वरूप तस्मै श्रद्धा। आपकी माता जी नहीं है ना हाँ अभी उनको नहीं माता जी यानी आपकी दादी वो है दादी की ना 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 दादी जैसे पिता का दिया पिता का आपका पत्नी आपकी माता हो गई और दादा की पत्नी आपकी दादी हो गई दादी को वो जो ठुगा था कि नहीं ना ना ठुगा था बहुत सुनिया था ओम गोत्रा नाम गोत्र से एक पिंड प्रयाग तीर्थ अमृत स्वरूप तस्मै श्रद्धा। ये आपने दादा की पत्नी को दिया दादी को
अब जो ये दूसरे दादा थे परदादा, इनकी पत्नी को उनका नाम बताइए। दादी समझ लीजिए, नाम गोत्र से एक प्रयाग थे तमृष स्वरूप तस्मै श्रोता। ये आपने देखिए पिताजी को दिया, पिताजी के बाद आपको अपने दादा को दिया, फिर दादा को देने के बाद अपने दादा को पिता यानी परदादा को दिया, अब दादी को दिया, दादी की सासू माँ को आपकी परदादी, ये दो हो गया। अब ननिहाल पक्ष में जैसे आपकी माता की माताजी के पिताजी हो गए आपके नाना, हाँ है कि नहीं है वो नहीं। नाना को दीजिए, नाम गोत्र से एक पिंड प्रयाग तीर्थ अमृत स्वरूप तस्मै श्रोता। ये आपने नाना को दिया, अब माता जी के आपके नाना मतलब दाद नाना के पिता यानी पर नाना उनका नाम याद है, उनका नाम नहीं याद है, नाना का गोत्र पता है, मम्मी की साइड का गोत्र हाँ नहीं मालूम है, अपना नाम बोल दीजिएगा, गोत्र बोलिएगा, ठीक है, और विष्णु स्वरूप बोल दीजिए, नहीं समझ में आए गोत्र नाम गोत्र ऐसे बोलिए, अमुख नाम अमुक गोत्र विष्णु स्वरूप ऐसे बोल दीजिए, ठीक है। ओम अमुख नाम अमुक गोत्र बोल के विष्णु स्वरूप बोल दीजिएगा, ओम गोत्रा नाम गोत्र से एक प्रयाग दे तमरी स्वरूप तस्मै श्रोता। अब नानी का ओम गोत्रा नाम गोत्र से एक अस्पिन प्रयाग थे तमरी स्वरूप तस्मै श्रोता। नानी की माता यानी आपकी पर नानी, उनका भी ऐसे ही बोलिए, अमुक नाम अमुक गोत्र गायत्री स्वरूपनी ऐसे बोल दीजिए उनका भी। ओम गोत्रा नाम गोत्र से कस्पिन प्रयाग दे तमरी स्वरूप तस्मै श्रोता। नीचे रखिए पिंड को बाबूजी, अब इस पिंड को बंद कर लीजिएगा, ठीक है, ये पिंड भी नहीं डालिएगा, दोनों हाथ लगाइए और इसमें दोनों हाथ लगाइए आप लोग दोनों पति पत्नी, इसको ऐसे बंद करिए, बोलिए जावत पिंड मनुष्या नाम गंगा तोही प्रतिस्थिति साहस प्राणी स्वर्ग लोके मई हते अयोध्या माया मथुरा काशी कंचिका अमंतिका पुरी द्वारा सब तैते एक पिंड प्रयाग तीर्थ अमृत स्वरूप तस्मै स्वधा। बोले पूजनी पिताजी सामस्त पितृगण भूला चूका आजी आजा नानी नाना सामस्त सखा बंधु जो भी हो हमारे हाथ से आशा रखते हूँ इस पिंड में। ये देखिए भूला चूका पिंड परिवार में बहुत लोग खत्म हो जाते हैं, जिनका नाम आपको पता था नाम बोले नहीं मालूम है तो हम लोग उसका ऑप्शन देते, देखिए ये चीज बोलना, जैसे अभी आपने कहा नहीं हमको पता तो अमुक नाम अमुक गोत्र ऐसे बोल के दिया जाता है, गायत्री स्वरूप नहीं, अब जेंट्स हैं तो विष्णु स्वरूप जाएगा, लेडीज है तो गंगा स्वरूप गायत्री स्वरूप नहीं गंगा स्वरूप नहीं, ठीक है,
अब ये आपका एक ये परिवार में तो बहुत लोग रहते हैं, आपको दादा को पता है, दादी को पता है, इसके बाद भी चार पांच पीढ़ी रहती है, नहीं मालूम रहता है, ये इनको दिया जाता है। बोले पूजनी पितृगण पूर्वज जो कोई आज हमारे हस्त का आसरा किया हो पिता के गोत्र में कुल में मिल जाइए, हमारे हाथ का पिंड श्राद्ध अर्पण करिएगा, वैकुंठ को वास करिएगा। ओम गोत्रानाम गोत्र से एक पिंड प्रयागते तमरी स्वरूप तस्मै स्वधा। अब ये जो दियाली भरे हैं अब इसको चढ़ाइए एक एक दियाली, सब पिंड पैसे डालते चले जाइए लाइन से। ओम तिलम समर्पयामि पितृदेवताभ्यो नमो नमः। ओम तिलम समर्पयामि पितृदेवताभ्यो नमो नमः। ओम तिलम समर्पयामि पितृदेवताभ्यो नमो नमः। स्नानं समर्पयामि पितृदेवताभ्यो नमो नमः। स्नानं समर्पयामि पितृदेवताभ्यो नमो नमः। ओम स्नानं समर्पयामि पितृदेवताभ्यो नमो नमः। ओम स्नानं समर्पयामि पितृदेवताभ्यो नमो नमः। दूध चढ़ाइए। ओम चंद्रामृतं समर्पयामि पितृदेवताभ्यो नमो नमः। ओम चंद्रामृतं समर्पयामि पितृदेवताभ्यो नमो नमः। ओम वर्षं समर्पयामि पितृदेवताभ्यो नमो नमः। ओम तिलम स्वर्ण पितृदेवताभ्यो ऐसे सब छोड़ते जाइए। ओम तिलम स्वर्ण पितृदेवताभ्यो नमो नमः। ओम धानम स्वर्ण पितृदेवताभ्यो नमो नमः। ओम धानम स्वर्ण पितृदेवताभ्यो नमो नमः। ओम धानम स्वर्ण पितृदेवताभ्यो चावल। ओम अक्षतम समर्पयामि पितृदेवताभ्यो नमो नमः। ओम अक्षतम समर्पयामि पितृदेवताभ्यो नमो नमः। ओम नित्या वसुदेवामृतग्रहादुर्गमचन्द्रधरणिकामहाशुद्धे गन्धग्रां द्राधर्श्यामि स्थां त्रीवणी सपूता ताम्बूलप्रशेष्ट्यम्। ओम अबीरम गुलालम नवदीपम समर्पयामि पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गंधग्राम दुराधर्श्यामि इष्टां गणीं गणीं सर्वभूता ताम्बूलप्रशेष्ट्यम्। ओम हल्दीलम समर्पयामि पितृदेवताभ्यो नमो नमः। ओम अंदिलम स्वर्पयामि पितृदेवताभ्यो नमो नमः। चंदन बीज सफेद वाला सब अच्छा था, खींच कोनो कर दिए हो उस दिन सामान, जब यहाँ सवा गया देखा सारा सामान वही दिन गछाए हैं सब। ओम चंदनम मंदनम पाप नाशनम पापो तनो हरि। हाथ लगाइए आप। ओम फलम स्वर्पयामि मया देवी स्थापितं पितृदेवताभ्यो नमो नमः। ओम तांबूल स्वर्पयामि पितृदेवताभ्यो नमो नमः। ओम मालिपम स्वर्पयामि पितृदेवताभ्यो नमो नमः। ओम तुलसीलम स्वर्पयामि पितृदेवताभ्यो नमो नमः। हाथ धो लीजिए, हाथ धो के जिन्हें सीधा कर लीजिए। जिन्हें सीधा कर लीजिए, जिन्हें सीधा किया। अब गमछा को माला की तरह रखिए कंधे पे दोनों साइड से। प्रभारी
का अर्पण करते हैं, वैकुंठ में देवलोक में प्राप्त हो। ओम विष्णु 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 परमात्मा कल युद्ध चढ़ाए जन्मोदी के प्रखंडे आर्य और देवता छठपुर मध्य अंतर भाग्यम संवत्सरे मासा नाम मासोत्रे आषाढ़ मासे एक शांति तो हो द्वितीय राम शनिवार से अपना नाम बोलिए दोनों जने दुर्गा सुनीता गोत्र पिता का नाम बोलिए गोत्र अखंड सौभाग्य सपत्नी सहित ब्राह्मण भोजन निधास किसी कृष्ण हाँ चल हाथ सुन तो पहले लगा।